हेलो एवरीवन, इंफॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन के बारे में। बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे हम, टॉर्क इक्वेशन को जानेंगे क्या है और उसके मतलब उसके वो प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसमें क्या शो कर रहा है। फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसकी इक्वेशन हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे अदर इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, वो आगे की वीडियो हम जानेंगे। इससे पहले मैंने बात की थी हम तीनों तरह के, हम जो हमारे क्लोज लूप सिस्टम है, करंट लिमिट कंट्रोल, क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल और क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल की, वो वीडियो आप जाके आप देख सकते हैं। अब देखते क्या है फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन के बारे में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं थ्योरेटिकल मैनर में क्या है क्या नहीं लिखना चाहिए हमें। When an electric motor rotates, it is usually connected to a load which has a rotational or translational motion. जब भी हम बात करके एक मैं वो मोटर है, किसी भी टाइप का मोटर है, अगर वो रोटेट करता है, हमारा रोटर रोटेट कर रहा है, तो वो किससे कनेक्ट है, वो हमारे शाफ्ट से कनेक्ट है। शाफ्ट रोटेट के साथ करें, जैसे जैसे हमारा शाफ्ट रोटर मूव करेगा वैसे वैसे हमारा शाफ्ट भी मूव करेगा, और हमारे लोड के साथ जैसे वो कनेक्ट रहता है डायरेक्टली। वेन एन इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट, इट इज यूजली कनेक्टेड टू द लोड विच हैज अ रोटेशनल एंड और ट्रांसमोशन मोशन। जो हमारा लोड है वो भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो रोटे जैसे हमारा शाफ्ट मुक्कर है उसी तरीके से वो भी मुक्कर मैंने रोटेशनल मोशन में, या तो हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जो हम रोटेशनल मोशन को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ रोटेशन में, तो हमारा था ट्रांसलेशनल मोशन। उस चीज़ के बारे में डीपली आगे मैंने डिफाइन करूँगा, लोड विद रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन की डेरिवेशन है छोटा सा, तो ये देखते हैं क्या है। द स्पीड ऑफ द मोटर मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लोड। टू एनालाइज द रिलेशन अमोंग द ड्राइव एंड लोड, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज इंट्रोड्यूस। हम जानते हैं जो मोटर में जो रोटर का स्पीड है, या कहते हैं शाफ्ट की जो रोटेशन है और हमारे लोड की रोटेशन, वो थोड़ा डिफर करता है। उस चीज को हम अच्छे से जानने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव इज डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। टू एनालाइज द रिलेशन अमोंग द ड्राइव्स एंड लोड, ड्राइव्स और लोड को हम एनालाइज करने के लिए वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है डायनेमिक ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। आगे हम देखते हैं, थोड़ा डेरिवेशन को लेते हैं। वी कैन डिस्क्राइब द डायनेमिक ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स इजीली बाय द फॉलोइंग इंस्टेंट हियर। मान लीजिए मेरे पास ये मोटर है, मोटर के अंदर रोटर मूव कर रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, टॉर्क की जो स्पीड है। फिर उसके बाद ये हमारा ये शाफ्ट है, शाफ्ट का जो है ये इसे कहते हैं ओमेगा एम, इंस्टेंटेनियसली एंगुलर वेलोसिटी हमारा उसी डायरेक्शन जैसे हमारा टॉर्क का डायरेक्शन है। हम फोर क्वाड्रेंट में भी जानेंगे अच्छे से क्या है ये इसके बारे में, अभी हम डेरिवेशन देखते हैं। और हमारा जो लोड है, लोड की अपोजिट डायरेक्शन है टी वन, जो इसे हम ले रखा, थोड़ा हम देख लेते हैं क्या क्या हमें नोटेशन है। जे मतलब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोटर लोड, ओमेगा एम है इंस्टेंटेनियसली एंगुलर वेलोसिटी, टी है इंटेंटेंसली वैल्यू ऑफ डेवलप्ड मोटर टॉर्क, टी वन है वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क रेफर टू मोटर शाफ्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे आप याद कर लेना। नाउ फ्रॉम द फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन जो है, फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन है टी माइनस टी वन, टॉर्क हमारा मोटर का माइनस में हमारा लोड का टॉर्क इक्वल टू होता है हमारा डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जे ओमेगा एम, पोलर मूवमेंट इनर्शिया ऑफ मोटर लोड ये ओमेगा एम, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो शाफ्ट में है, इक्वल टू जे डी ओमेगा एम बाई डी टी प्लस ओमेगा एम डी जे बाय में डी टी। इसे आप याद कर लेना है, बहुत सिंपल है। फॉर ड्राइव्स विद कॉन्स्टेंट इनर्शिया, अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टेंट इनर्शिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं डी जे बाई डी टी मेरा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस जैसे ये जीरो होगा तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा टी माइनस टी वन इक्वल टू में क्या है जे डी ओमेगा एम डी टी। इन दोनों को मैं इक्वेट करूँ, ये तो जीरो हो गया, तो ये इसका क्या होगा टी इक्वल टू में टी वन प्लस जे डी ओमेगा एम डी टी। ये हमारा एक पूरी इक्वेशन आएगी सॉल्व करने के बाद। तो टी क्या था हमारे पास, मोटर का टॉर्क था, तो इसे थोड़ा समझते हैं क्या। सो द अबव इक्वेशन स्टेट दैट द मोटर टॉर्क इज बैलेंस्ड बाय लोड टॉर्क। ये जो मोटर टॉर्क है वो बैलेंस है बाय द हेल्प ऑफ हमारा लोड टॉर्क
एंड डायनेमिक टॉर्क, जिसे इसे बोलते हैं हम डायनेमिक टॉर्क, डायनेमिक टॉर्क जे डी ओमेगा डी टी, ठीक है। दिस टॉर्क कॉम्पोनेंट इज टर्म्ड एज डायनेमिक टॉर्क एज इट इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशन। तो मैंने इसके आगे थोड़ा मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सिंपल वे में भी लिख रखा है। ड्राइव एसिलेट्स और डी एसिलेट डिपेंड ऑन टी, वेदर टी इज ग्रेटर और लेस देन टी वन। जो हमारा एक्सेलेरेशन हो रहा है डी एक्सेलेरेशन, वो टोटली डिपेंड करता है कि जो हमारा टी की वैल्यू है, हमारा मोटर का जो टॉर्क है वो हमारा टी वन से बड़ा है या छोटा है। हमारा एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन डिफरेंट। ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन अगर बाकी स्पीड में ही बढ़ रही है, मोटर में लोड पर ज्यादा तेजी हो रहा है, तो उस केस में क्या है, ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन मोटर शुड सप्लाई नॉट ओनली द लोड टॉर्क, वो लोड टॉर्क बट एन एडिशनल टॉर्क कंपोनेंट जी। हाँ, अगर मैं करूँ कि स्पीड मेरा इंक्रीज हो रहा है काफ़ी तेजी, मैंने कि स्पीड मैंने एक बार मैं ये मूव कर रहा था इस स्पीड में और मैंने स्पीड को तेज घुमा दिया, तो उस केस में जो हमारा टॉर्क जो मोटर प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा लोड टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस में हमारा डायनेमिक टॉर्क भी एडिशनल हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिससे स्पीड और इंक्रीज हो। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्राइव इनर्शिया, ठीक है, इन ड्राइव विद लार्ज इनर्शिया सच एज इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोटर टॉर्क मस्ट एक्सीड द लोड टॉर्क बाय अ लार्ज अमाउंट इन ऑर्डर टू गेट एडिक्वेशन एक्सेलेरेशन। तो ये हमारा टॉर्क इक्वेशन है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे पास सब्सक्राइब तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, कर देना, थैंक यू सो मच। आगे की मैं वीडियो में बात करूँगा कोऑर्डिनेट डायग्राम ऑफ मोटर ड्राइव से, इसे बिल्कुल छोटे वे में समझेंगे क्या है नहीं है, जिससे हम एग्जाम पॉइंट से भी फटाफट कर सकें और सिंपल वे में जानेंगे क्या है ये। और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो कवर करूँगा, तो नोट्स चाहिए हो तो नीचे कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।